हेलो बच्चों आज हम क्लास एट के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर फिफ्थ को पढ़ेंगे लेसन जिसका नेम है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक सन्सलेसे तेसि और प्लास्टिक इसमें हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं या मेन टॉपिक्स हैं वह क्या हैं सिंथेटिक फाइबर और डियर करैक्टरिस्टिक्स और इनकी विशेषताएँ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन रेन पॉलिसटर एक्रिलिक एंड अपेंडिक्स स्पैंडस थर्ड है हमारा यूजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स फोर्थ है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और फिफ्थ है प्लास्टिक प्रॉपर्टीज एंड यूजेज और हमारा लास्ट है टॉपिक इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स चलिए तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर संश्लेषित रेशे सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय मैन जो सिंथेटिक फाइबर्स होती हैं वह कौन बनाता है वह मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं बनाए जाते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर इसलिए हम इनको मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं अर्लियर पहले क्या होता था फाइबर्स वर ओपटेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेस ओनली जो फाइबर्स होते थे सिर्फ प्लांट और एनिमल सोर्स से ही हमें मिलते थे फाइबर्स ऑप्टेन फ्रॉम द सेलुलस प्रजेंटन प्लांट आर कॉल्ड सेलुलोस फाइबर जो फाइबर्स ऑप्टेन किए जाते थे वे केवल से ऑप्टेन किए जाते थे जो किस में पाया जाता था प्लांट में पाया जाता इसलिए उनको हम क्या बोलते थे सेलोलोस फाइबर्स कहते थे सर जो से स्वेन इन्वेंटेड द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इन द 1818. इन्होंने क्या किया था सर जोसेफ स्वेन ने क्या किया था एटीन 18, में क्या किया था इन्होंने फर्स्ट पहली बार सिंथेटिक फाइबर इन्वेंट किया था द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर वॉज मेड फ्रॉम अर साउुलस लिक्विड केमिकली मोडिफाइड द फाइबर कंटेनिंग इन द ट्री बार जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था वह सेलुलोज के लिक्विड से केमिकली रासायनिक रूप से उसको मॉडिफाई करके ट्री की बार्क से जो पेड़ की छाल होती है उससे कंटेन करके वो उसमें बनाया गया था नेक्स्ट है हमारा वॉट आर सिंथेटिक फाइबर मेड ऑफ जो सिंथेटिक फाइबर होती हैं वह कैसे बनती हैं तो सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वह स्मॉल यूनिट की एक लॉन्ग चेन से जोड़कर उनको साथ साथ जोड़कर बनाया जाता है सच्चा लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ सिमलर काइंड इसकॉला पॉलीमर और जो लॉन्ग चेन बनती है स्मॉल यूनिट्स की उसको हम सेम काइंडस की उनको हम क्या बोलते हैं पॉलीमर कहते हैं ईच स्मॉल यूनिट ऑफ अ पॉलीमर कॉल्ड अ मोनोमर जो स्मॉल यूनिट होती है पॉलीमर की उसको हम क्या बोलते हैं मोनोमर कहते हैं मैनी मोनोमर्स ज्वाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर बहुत सारे जो मोनोमर्स रहते हैं उनको ज्वाइन करके हम क्या बनाते हैं एक पॉलीमर को बनाते हैं थर्स द प्रोसेस इन विच स्मॉल पॉलीमर्स लिंक टूगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होती है या ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्मॉल मोनोमर्स को लिंक करके साथ साथ एक लॉन्ग चेन बनाई जाती है पॉलीमर्स की उसको हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर में भी लीनियर ब्रांच चेन और अस्ट्रामेट लाइक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होता है या संरचना होती है पॉलीमर की या तो वह लीनियर अनब्रांच होती है चेन या फिर वह स्ट्रोमेट लाइक क्रॉस क्रॉस लिंक में होती है ऐसे ही लीनियर स्मॉल यूनिट नहीं होती हैं या फिर क्या होता है वह क्रॉस में स्ट्रोमेट जैसे ही आ, अटैच रहती हैं एक दूसरे से इस तरीके के फाइबर के स्ट्रक्चर होते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइबर फाइबर के प्रकार देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर फाइबर दो टाइप के होते हैं फर्स्ट है हमारा नेचुरल फाइबर जैसे कि हमारा सिल्क हो गया वुल हो गया कॉटन हो गया एक्सेट्रा सेकेंड है हमारा सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन रेन एक्सेट्रा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर तो सिंथेटिक फाइबर के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है सिंथेटिक फाइबर का नायलॉन नायलॉन वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर टू बी मेड इन 1931 फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर जो नायलॉन है वह पहला पूरी तरीके से संश्लेषित रेशा है ठीक है ना जिसको 1931 में किससे बनाया गया था कोल वाटर एंड एयर की मदद से बनाया गया था नाइलॉन ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द सिटीज ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंडन स्टूमलेटेनियस एन वाई फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड एलोवन फ्रॉम लंडन जो नाइलॉन शब्द है वह कहाँ से ड्राइव हुआ है वह एन एन वाई को न्यूयॉर्क से लिया गया है और लंडन से एलोवन लिया गया है तो इससे मिलके क्या बन जाता है हमारा नायलॉन बन जाता है वेयर इट इज़ वाट फर्स्ट मार मार्केटेड जहाँ पर यह पहली बार बाज़ार में बेचा गया था द मोनोमर्स दैट मेक्स द नायलॉन इज कॉल एमाइट जो नायलॉन की जो मोनोमर्स होते हैं नायलॉन के जो भी मोनोमर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एमाइट कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन नायलॉन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ मोर इलास्टिक दैन नेचुरल फाइबर यह नेचुरल फाइबर से या प्राकृतिक दृष्टि से ज़्यादा इलास्टिक होता है सेकेंड है इट इज़ स्ट्रॉन्ग कम्पेयर टू स्टील वायर यह स्टील वायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इट इज़ वाटर रेजिस्टेंस एंड ईजी टू वॉश यह कैसा होता है वाटर रेजिस्टेंस रहता है या पानी का प्रतिरोध करता है और ईजी टू वॉश आसानी से इसको धोया जा सकता है नायल और ड्राई क्विकली आसानी से सूख जाता है इट एज अ लश्र इसमें चमक होती है लश्र होता है इट इज़ नॉट अटैक्ट बाई मौत एंड मोल्स इसमें मोल्स या फिर मौत अटैक नहीं करते हैं नायलन फाइबर बर्न स्लोली एंड इट्सिंग अवे फ्रॉम फ्लेम फॉर्मिंग अ बीड इट इज़ थर्मोप्लास्टिक इन नेचर और यह कैसा होता है नेचर में थर्मोप्लास्टिक नेचर का होता है इसके बाद हमारा है यूजेस ऑफ नायलॉन नायलॉन के क्या यूजेस हैं फर्स्ट यूज है इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल्स टू मेक साड़ी शर्ट्स एक्सेट्रा इसका हम टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं क्या बनाने में साड़ीज़ और शर्ट्स बनाने में इट इज़ यूज टू मेक फिशेस नेट्स फिशेस की नेट बनाने में टेंट्स बनाने में पैरासूट बनाने में पैरासूट का फैब्रिक बनाने में और रोप्स रस्सियों को बनाने में थर्ड है इट इज यूज टू मेक सॉक्स एंड इसकोटिंग ड्यू टू इट्स इलास्टिसटी इसकी इलास्टिसिटी की वजह से इसका यूज हम सॉक्स बनाने में भी करते हैं फोर्थ है इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक टूथब्रश ब्रिस्टल्स कॉम्स जिप फास्टनर्स एक्सेट्रा इन सारी चीज़ों को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है इसके बाद हमारा सेकेंड सिंथेटिक फाइबर है रेन रेन इज ऑबटेन बाई केमिकली ट्रीटेड वुड पल्प जो रेन हुए वह केमिकली कहाँ से ट्री ट्रीटिंग करके निकलता है वुड पल्प से इट रिसम्बल सिल्क इन अपियंस वह देखने में कैसा लगता है सिल्क जैसा टैक्सर एंड शाइन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क और इसको क्या कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं द ओरिजिनल रॉ मटेरियल्स सेलुलस इज ब्रोकिंग डाउन एंड देन रिफॉर्म जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल होता है जैसे कि सेल्यूलोज बाय ब्रेक डाउन होता है और फिर इसको रिफॉर्म किया जाता है विच इज़ वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजरनेटेड फाइबर इसलिए इसको क्या बोलते हैं रिजर्नेटेड फाइबर्स भी कहते हैं इट इज़ सीपर देन नेचुरल सिल्क और यह नेचुरल सिल्क से सस्ता होता है इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रियोन रियोन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं फर्स्ट है इट इज़ गुड एब्सॉर्बेंट यह गुड एब्सॉर्बेंट होता है ठीक है ना एब्जॉर्ब करने में अच्छा होता है इट इज़ इट बर्न्स एट अ हाइयर टेम्परेचर इसको हम बहुत अत्यधिक टेम्परेचर पर यह बर्न हो जाता है इट डज नॉट मेल्ट यह मेल्ट नहीं होता है पिघलता नहीं है इट फील्स आ सॉफ्ट सिल्की टू टच एंड ड्रैप्ट वेल यह कैसा फील कराता है हमें सॉफ्ट और सिल्की फील कराता है इट रिंकल्स ईजली एंड मे स्टेच और सरिंक वैन वॉस्ड इट व रीडली विथ आ स्मॉल ऑफ बर्निंग पेपर यह बर्न हो जाता है आराम से जैसे कि स्मेल ऑफ़ बर्निंग पेपर जैसे कि कोई हम पेपर को वन करते हैं वो स्मेल आती है बस स्मेल आती है यूजेज ऑफ रियन रेन की क्या यूज़ है इट इज़ मिक्सड विथ कॉटन फिफ्टी पर फिफ्टी फिफ्टी परसेंट एंड यूज टू मेक ड्रेसेस इसको कॉटन में मिक्स करके क्या बनाते हैं कॉटन की ड्रेसेस भी बना सकते हैं इट इज़ यूज इन मेडिकल फील्ड फॉर मेकिंग बैंडेज एंड लिंक फॉर ड्रेसिंग वर्ड्स बैंडेज वगैरह का यूज़ करने में इसका यूज़ किया जाता है इट इज़ ऑल्सो यूज़ टू मेक टायर्स कोट्स। इसका यूज़ टायर्स कोट्स को बनाने में किया जाता है इट इज़ यूज़ टू मेक बेड स्प्रेड्स बेड शीट ब्लैंकेट कर्टेंस टेबल क्लॉथ कारपेट इन सारी चीज़ों को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है